हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 6। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने द्विनाम पद्धति को पढ़ा था कि नामकरण को कैसे करते हैं। उसी के आगे का टॉपिक है कि द्विनाम पद्धति के नियम क्या है, किस तरह से हम पहचानेंगे कि द्विनाम पद्धति में इसका नामकरण हुआ है, क्या क्या होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इसी में आज हम जैव विविधता को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो में। देखो, पहले जो हमने पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था द्विनाम पद्धति क्या है। तो आपने पढ़ा था जिनमें किसी भी जंतु या पादप का वैज्ञानिक नाम दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बना होता है, द्विनाम पद्धति कहलाता है। जिसमें हमने लिखवाया था आपके लिए कि जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की वह पद्धति जिसमें का नाम दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर लिखा जाता है, तो वो क्या है? आपका द्विनाम पद्धति है। इसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे गुड़हल है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो देखो, अब ये नाम हो गया द्विनाम पद्धति का। तो इसमें क्या होता है कि पहला जो अक्षर होता है वो आपका वंश होता है। क्या होता है? वंश का, ध्यान से समझना, पहला अक्षर वंश का होता है और दूसरा अक्षर होता है जाति। और इन दोनों को मिला करके हम नामकरण पद्धति के नियम को लिखते हैं। तो चलो डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से कौन कौन से नियम हैं वो हम लिखते हैं। तो इसमें जो आपका पहला नियम आता है वो आता है कि जो जैविक नाम होते हैं, जो जैविक नाम होते हैं वो तिरछे अक्षर में लिखे जाते हैं, तिरछे अक्षर के रूप में, अक्षर के रूप में लिखे जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा क्या है? पहला हो गया कि लैटिन भाषा के तिरछे अक्षर में किस रूप में, लैटिन भाषा के, तो इसको कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा के होते हैं जो तिरछे अक्षर के रूप में लिखे जाते हैं, इन्हें लैटिन भाषा के या लैटिन भाषा कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के रूप में लिखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, जैविक नाम का जो पहला अक्षर होता है, जो पहला अक्षर होता है वो वंश का होता है और जो दूसरा होता है वो जाति का होता है। पहले नियम में क्या लिखोगे कि जो जैविक नाम है वो लैटिन भाषा के तिरछे अक्षर के रूप में लिखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जैविक नाम में पहला अक्षर वंश का और दूसरा अक्षर जाति का होता है। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि वैज्ञानिक को इटैलिक भाषा में या अंडरलाइन करके लिखा जाता है। वैज्ञानिक नाम को किस रूप में लिखते हैं? अंडरलाइन, समझ रहे हो ना, इस तरह ये क्या हो गया, अंडरलाइन करके लिखते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि वंश का जो पहला अक्षर होता है, यहाँ पे जो लिखा, वंश का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और जाति का दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये थे द्विनाम पद्धति के चार नियम। पहला पॉइंट में आप लिख सकते हो कि जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा के तिरछे अक्षर के रूप में लिखे जाते हैं।
दूसरा पॉइंट पहला अक्षर वंश का और दूसरा जाति का होता है। जैसे होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कि एग्जांपल ले लेते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो होमो क्या हो गया, ये पहला अक्षर है, इसको हम लिखेंगे, ये वंश है, क्या है, वंश होता है, और ये जो है वो जाति होती है। सेपियंस जाति के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, तो ये वंश हो गया, इसको हम लिखेंगे अगर इंग्लिश में तो लिखेंगे होमो, सेपियंस। तो होमो क्या हो गया, पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर में है, और दूसरा अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर में। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पहला अक्षर जो होता है वो वंश का होता है और दूसरा अक्षर जो होता है वो जाति का होता है। तीसरा पॉइंट, वैज्ञानिक नाम जब हम लिखते हैं तो उसे हमेशा अंडरलाइन करके लिखते हैं। तो ये पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि जो वैज्ञानिक नाम है उसका जो पहला अक्षर वंश होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और दूसरे वाले जाति को हम स्मॉल लेटर के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से आपका ये द्विनाम पद्धति के नियम जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब इसी में एक आता है त्रिनाम पद्धति, उसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। अब बात करते हैं त्रिनाम पद्धति। अभी तक आपने द्विनाम पद्धति पढ़ा, जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की वह पद्धति जिनसे उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, द्विनाम पद्धति होती है। त्रिनाम पद्धति सेम है, तीन शब्दों से मिलकर बने तो त्रिनाम पद्धति। देखो कुछ जो जातियाँ होती हैं, जो कुछ जातियाँ होती हैं वो छोटी इकाइयों के रूप में विभाजित होती हैं और उनको एक उपजाति नाम दिया जाता है, उस नाम से उपजाति नाम से संबोधित किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार जब कोई नाम तीन शब्दों से मिलकर बने तो उसे हम त्रिनाम पद्धति कहते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है और उसमें एक उपजाति जुड़ जाती है तब हम उसका नाम बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। दो बार नाम लेंगे, एक तो जाति का हो जाएगा और एक उपजाति का हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है वर्गीकरण, उसको देखते हैं कि हम किस तरह से जीवों को वर्गीकृत करते हैं, उनको किस प्रकार से बांटते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अगला टॉपिक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की जिसका नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण कल भी हमने डिस्कस किया था कि वर्गीकरण क्यों करते हैं, जिससे कि हमें उनकी जातियाँ, उनके वंश, उनके गण, उनके कुल का पहचान हो सके, इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, और इससे हमें भी उनके जो लक्षण हैं, उनके जीवन की जो कार्य प्रणाली है, उन सारी प्रक्रियाओं को हम आसानी से समझ सकें, उनके लक्षणों को पढ़ सकें, इसलिए हम वर्गीकरण को अपनाते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। लिखा है जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। एकदम छोटा सा लिख दिया है, ये लाइन आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है। जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ, ग्रुप मतलब समूह में ऑर्गेनिज्म, इन टू कैटेगरीज, उनके किस किस कैटेगरी में बांटे गए हैं, बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक क्रमबद्ध ढंग से, प्लान और ऑर्डर। फिर से, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक्स प्लान और ऑर्डर। तो ये सारा था। अब उसके बाद ये आपकी परिभाषा हो गई। अब जो ये वर्गीकरण किया गया है, इनको ये सारे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्ग। ये क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। जैसे पहला है जगत, इसको हम किंगडम बोलते हैं। दूसरा संघ, फाइलम और डिवीजन। वर्ग क्लास हो गया, गण ऑर्डर बोलते हैं, कुल को फैमिली बोलते हैं, वंश को जीनस बोलते हैं और जाति को स्पीसीज बोलते हैं। तो ये सात हैं, कितने हैं, सेवन हैं, सेवन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे हम
जीवों के लक्षण, उनके गुण, उनके बीच पाई जाने वाली समानताओं का अध्ययन आसानी से कर सके। तो देखो एक चीज और समझ लो, जब हम इस श्रृंखला में वर्ग में नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से तीर बना दिया समझ लेना, नीचे से ऊपर जाते हैं तो समानताएं जो हैं वो घटती हैं, ये आपको बात याद करनी है। दूसरी बात, यदि हम ऊपर से नीचे आए ठीक तो क्या होगा, समानताएं बढ़ती हैं, समझ में आ रहा है आपको, उनके बीच जो समानताएं पाई जाएंगी उनमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहां से जब हम ऊपर से जाएंगे नीचे, देखो क्या होता है, जैसे जाति है, तो जाति क्या है, एक समूह है, ग्रुप है ठीक। जाति को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न वर्गों को बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, विभिन्न वर्ग कह दिया। फिर इसको परिभाषित कैसे करेंगे, अगर कोई पूछे कि जाति क्या है तो आप बोल सकते हो कि ये जीवों के समूह को जिसमें मौलिक समानता ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जिसमें मौलिक समानता जो है वो ज़्यादा पाई जाए वो क्या है, जाति है। तो इसमें ये क्या है, जाति का एक समूह होता है, बहुत सारी जातियाँ होती हैं। तो अब अगर वंश की बात करें, वंश क्या है, तो वंश में क्या आता है, जाति आती है। कुल में वंश आते हैं, गण में कुल आते हैं, वर्ग में गण आते हैं, संघ में वर्ग आते हैं, और जगत में संघ आता है या किंगडम में फैलम आते हैं। तो यही सारी प्रक्रिया होती है, तो ये आपको समझना है। तो जाति पता हो गया आपको, देखो जो जगत है यहाँ पे, देखो किंगडम जो होता है जगत में, तो आपने नाइन्थ में पढ़ा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये अभी हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, मोनेरा प्रोटिस्टा ठीक। मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, कवक होता है, पादप होता है, जंतु होता है, तो ये सारे जगत के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार फिर संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, तो ये सारे स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहे हैं। जैसे मान लो कोई जाति है, स्पीसीज है, तो उस जाति में मान लीजिए एक नाम है लियो, एक जाति है, तो इसमें क्या क्या आते हैं आपको बता दें, सभी शेर आते हैं, क्या आते हैं, सभी प्रकार के क्या आते हैं, शेर आते हैं। एक लियो जाति होता है जिसको नाम दिया गया लियो, और उसी में सभी शेर आते हैं। एक होता है टिग्रिस, एक टिग्रिस होता है, इसमें क्या आते हैं, सभी बाघ आते हैं। हमने क्या बता दिया, जाति क्या है, एक समूह है, ग्रुप है, तो सभी आएंगे। जैसे बाघ है तो सभी प्रकार के बाघ आएंगे, धारीदार बाघ या बिना धारी वाले बाघ, पूंछ लंबी वाले जो बाघ होते, मतलब इस तरह से जितनी भी उनकी वैरायटी होंगी वो सारे इसी के अंतर्गत आएंगे, एक ही जाति के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली चाहे जैसी हो, काली हो, नीली हो, पीली हो, लेकिन वो जो आएंगे उनकी जो जाति होगी उसी, मतलब कि उसी समूह में आएंगे। तो जैसे यहाँ पे लियो कह दिया गया, तो शेर चाहे जिस कैटेगरी का हो आएगा किसी में, लियो में। टिग्रिस इसी तरह, इसमें क्या आते हैं, सभी बाघ आते हैं। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें, तो हमने ये भी बता दिया कि जब ऊपर जाते हैं तो हमने बता दिया क्या हुआ, समानताएं घटती हैं, नीचे आते हैं समानताएं बढ़ती जाती हैं, और ये आपको परिभाषा लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब ये समझते हैं कि वंश क्या है, हम क्या हो रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जाति में बताया हमने कि ये जीवों का समूह होता है, वंश क्या होता है, ये जातियों का समूह होता है, ध्यान से समझना, जातियों का समूह होता है। कह सकते हो कि इसमें एक से अधिक जातियां पाई जाती हैं। तो पहला एक एग्जांपल हमने ले रखा है, इसको बोलते हैं पैंथेरा, तो इसमें लियो जाति भी आती है, टिग्रिस जाति भी आती है, पैराडस जाति भी आती है। तो ये सारे एक पैंथेरा वंश रख दिया गया, जीनस रख दिया गया, जिसमें लियो, टिग्रिस, पैराडस ये सारे आ गए। उसी तरह तो आप कह सकते हो वंश को कैसे परिभाषित कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि इसमें एक से अधिक जातियों को रखा जाता है, इसमें एक से अधिक जातियों को रखा जाता है,
या आप कह सकते हो कि वंश जातियों का समूह है। क्या कह सकते हो? जातियों का एक समूह होता है। जैसे एक और जीनस की बात करें, वंश की बात करें, एक होता है सोलेनम, नाम सुना होगा सोलेनम। तो इसमें सभी प्रकार की क्या सब्जियां, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, आलू टमाटर बैंगन, देखो इनके बीच में भिन्नता है, लेकिन ये सारे किसमें रखे गए, एक वंश दे दिया गया कि सोलेनम के अंतर्गत ये आलू टमाटर बैंगन ये सारे सब आएंगे। एक और हो गया जैसे चीता हो गया, पैंथेरा, पैंथर मीन्स क्या होता है, चीता होता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया पैंथेरा। एक वंश दे दिया गया जिसमें लियो, लियो में क्या आते हैं, शेर आते हैं, इसमें बाघ आते हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हो। तो पैंथेरा क्या बोलेंगे, ये आते हैं, चीता का जो होगा वो वैज्ञानिक नाम ये हो जाएगा पैंथेरा पैराडस, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पहला अक्षर जो होता है वो वंश का होता है, किसका होता है। अगर हम कहें मेढक का वैज्ञानिक नाम ले लो, राना टिग्रिना, क्या होता है राना, तो ये राना क्या है, एक मतलब कि जीनस ही है, ये वंश है, और टिग्रिना क्या होता है, उसकी जाति होती है। टिग्रिना क्या होगी, टिग्रिना, राना टिग्रिना होता है। तो ये क्या होता है, ये जो पहला अक्षर है वो होता है वंश का, और दूसरा अक्षर जो होता है वो जाति का होता है। तो ये वंश के बारे में आपको पता हो गया, चीता का हमने बता दिया, पैंथेरा पैराडस, तो ये वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो पहला अक्षर वंश का और दूसरा अक्षर जो होता है वो आपके जाति का होता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कुल की, फैमिली की, किस किस कुल का होता है। तो कुल इसके पहले क्या आया था, अभी वंश आया था, तो आप कह सकते हो कि इसमें संबंधित वंश को रखा जाता है, जो इससे संबंधित वंश होते हैं उनको रखा जाता है। जैसे एक कुल हो गया जिसका नाम है सोलेनेसी, उसमें सोलेनम भी आएगा, पिट्यूनिया भी आएगा, ये भी एक क्या है, वंश है, धतूरा एक वंश है, और ये जो है वो कुल है। ये पादप की बात हो गई। जंतु में अगर बात करें तो एक कुल होता है फेलेडी, उसमें पैंथेरा जो भी आपने पढ़ा, पैंथेरा पैराडिस, फेलिस, तो ये कुल होते हैं। कुल के इसमें क्या आते हैं, इसमें वंश को रखा जाता है। अगर हम तो ये हो गया, ये आपके एग्जांपल हो गए कुल में लिखने के लिए कि कुल में क्या होता है। तो कुल होता है जैसे सोलेनेसी कुल हो गया, तो ये पादप के लिए होता है। तो इसमें क्या आते हैं, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, पैंथेरा, फेलिस, ये आपको ध्यान से समझना है तभी समझ में आएगा। उसके बाद आता है एक टॉपिक, गढ़ आता है इसी में, ठीक। तो जो गढ़ होता है इसमें क्या आते हैं, कुल आते हैं। क्या आते हैं, अब लिख सकते हो कि ये गढ़ एक से अधिक कुल आते हैं। इसमें क्या आते हैं, एक से अधिक कुल आते हैं, मतलब ऊपर चलते जाना। जैसे हमने ऊपर ऐसे ऐसे बनाया था, उसमें आप उसी तरह बना के आप बता सकते हो कि किसके बाद क्या आता है। तो अब आपको ये समझना है। अब बात करते हैं गढ़ की। देखो एक गढ़ होता है जिसको बोलते हैं पेलिमोनियल, इसमें क्या आता है, पेलिमोनियल में सोलेनेसी, कानवालुलेसी, तो उसके बाद एक आता है प्राइमेटा। प्राइमेटा में क्या आते हैं, बंदर आते हैं, गिब्बन आते हैं, कार्निवोरा में मांसाहारी जीव आते हैं, जितने भी मांसाहारी हैं, पैंथेरा हो गया, जितने भी शेर चीता वगैरह जो आते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो कार्निवोरा में गढ़ में आर्डर में रखे जाते हैं। इसीलिए इसमें ये क्या हो गया, तो ये आपको समझना। तो गढ़ को कैसे परिभाषित करोगे आप, तो लिखोगे एक गढ़ में एक से अधिक कुल आते हैं। कुल हमने लिख दिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये है, ये पौधों में पाया जाता है, इसमें पौधों में कह लीजिए या पादपों में कह लीजिए। उसके बाद जो ये आता है आपका प्राइमेटा, ये क्या होता है, ये जंतुओं में होता है। ये दोनों किसमें आते हैं, जंतुओं में आते हैं, और ये आता है पौधों में। तो ये आपका गढ़ हो गया। इसी तरह अगर हम वर्ग की बात करें तो आप कह सकते हो वर्ग में एक से अधिक क्या आते हैं, आर्डर आते हैं, गढ़ आते हैं। जैसे
गणक वो उसको क्या बोलते हैं वर्ग की बात कर ले, वर्ग की, तो वर्ग में हमने क्या बताया एक से अधिक क्या आते हैं गण आते हैं, जैसे एक होता है वर्ग में मैमेलिया, मैमेलिया में क्या होते हैं आपको बता दें प्राइमेटा, जो भी यहाँ पे लिखा है आपने प्राइमेटा होता है, उसके बाद कार्नियोरा होता है, तो ये सब एक वर्ग है जिसको मैमेलिया वर्ग दिया गया, वो किसमें आते हैं वर्ग किससे मिलकर बने होते हैं घड़े से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक वर्ग है मैमेलिया, उसमें आपके प्राइमेटा कार्नियोरा मतलब बंदर गिब्बन मांसाहारी ये सब किसमें आते हैं किस वर्ग के मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो देखो एक चीज और समझ लेना, जो वर्ग है वर्ग में हमने एक लिखवाया था वर्ग को लिखवाया था फाइलम, क्या लिखवाया था फाइलम ओ आर आर्डर लिखवाया था, तो फाइलम जो होता है वो हमारा जंतु के लिए होता है और जो ऑर्डर है वो पादप के लिए होता है, ये बात आपको अच्छे से याद करना है। फाइलम किसके लिए यूज होता है, अगर हम जंतु का वर्गीकरण कर रहे हैं तो वहां पर हम फाइलम का यूज करेंगे, अगर हम पादप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया, वर्ग हो गया तो ये पता हो गया कि पौधों के लिए कहाँ पे यूज करना है फाइलम का और कहाँ पे डिवीजन का यूज करना है। अगला पॉइंट जो आपका आता है इसमें से एक से अधिक वर्ग आते हैं ये भी बता दिया हमने, किसमें तो कार्डेटा हो गया। अब बात करते हैं संघ की, ये जो है ये हम संघ की बात कर रहे हैं जो इसके अंतर्गत आता है, वर्ग के अंतर्गत आता है आपका संघ आता है, संघ को फाइलम या ऑर्डर के रूप में लिखा जाता है। संघ जो होता है तो इसमें कह सकते हो कि इसमें एक से अधिक क्या आते हैं वर्ग आते हैं, एक से अधिक क्या आते हैं वर्ग आते हैं, जिसको हम फाइलम या ऑर्डर, ये भी बता दिया कि जो फाइलम होता है वो जंतु के लिए होता है, अगर हम जंतु का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तब वहां पर हम फाइलम का प्रयोग करते हैं, और अगर पादप का उपयोग करते हैं तो हम ऑर्डर का क्लासिफिकेशन में ऑर्डर के रूप में उसको लिखते हैं। ये क्लियर हो गया, इसमें एक आता है कार्डेटा, एक आता है कार्डेटा आता है, तो कार्डेटा में क्या होता है आपको बता दें, जिसमें मछली हो गया बंदर हो गया सरीसृप हो गए उभयचर हो गए स्तनधारी आदि सब इस कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। इसका एक नाम और होता है जिसको हम नोटोकार्ड बोलते हैं, नोटोकार्ड का मतलब होता है जिन जीवों में या जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाए रीढ़ रज्जु पाया जाए वो सारे किस्में आते हैं कार्डेटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है सात जो वर्ग थे वो आपके क्लियर हो गए। इसी में किंगडम आता है, किंगडम जगत में हमने आपको पहले ही बता दिया है मोनेरा प्रोटिस्टा पादप जंतु कवक ये सारे किंगडम के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से आपका ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन द्विनाम पद्धति के नियम त्रिनाम पद्धति ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। कल के टॉपिक में हम आपको जैव विविधता के विषय में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।